वेंस ने किया सरकारी अस्पताल का निरीक्षण। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना महामारी की दूसरी लहर में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने के लाख दावे किए जा रहे, लेकिन स्वास्थ्य महकमे से जुड़े कर्मी अपने फर्ज को लेकर कितने लापरवाह है, इस बात का अंदाजा जनपद रामपुर की एक तहसील में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सुनसानी का फायदा उठाते हुए वेंस ने निरीक्षण करने के बाद खुलासा कर डाला है। वेंस ने बेफिक्री से अस्पताल में घूमने का यह वीडियो बड़ी तेजी के साथ सोशल मीडिया में पर वायरल हो रहा है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। जनपद रामपुर में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगभग छोटे बड़े शहर एवं ग्रामीण इलाकों की सरकारी अस्पतालों में रोगियों और उनके तीमारदारों को कोरोना महामारी के चलते उपचार की बेहतर सलाह देने हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। यहाँ पर तैनात स्वास्थ्य कर्मी के माध्यम से कोई भी मरीज व उसका तीमारदार अस्पताल परिसर में मौजूद पीड़ितों का हालचाल जान सकता है, लेकिन अमून मन कैसा है कि देखने को नहीं मिल रहा है। जनपद रामपुर में तहसील मिलक स्थिति में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य द्वार पर मौजूद हेल्प डेस्क के निकट मौजूद खाली कुर्सी की पोल उस समय खुल गई जब वहां पर किसी की पालतू भैंस घुस आई। भैंस ने सबसे पहले हेल्प डेस्क का मुआयना किया और कुछ देर तक वहां रुकने के बाद वह अस्पताल के अंदर दाखिल हुई और जहां पर वार्ड तक पहुंची। इस बीच कोई भी लापरवाह स्वास्थ्यकर्मी इतनी बड़ी भैंस को नहीं देख पाया। भैंस के निरीक्षण का यह वीडियो बड़ी तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां कुछ लोग इसे स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही मान रहे तो वहीं कुछ लोग इस वीडियो को देखकर लुप्त उठा रहे। हालांकि जब हमने इस बात को स्वास्थ्य विभाग के कुछ अधिकारियों को फोन के माध्यम से संपर्क करना चाहा तो कोई भी अधिकारी इस मामले पर बोलने को तैयार नहीं है। बहरहाल अधिकारी जो कुछ भी बोलेंगे वह तो खाना पूरी होगी, लेकिन जो तस्वीरें बयां कर रहे हैं ये तस्वीर गलत नहीं है। अब इस मामले पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी क्या एक्शन लेते हैं अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। स्वीट न्यूज 17 के लिए मोहम्मद अफरीदी इदरीसी की रिपोर्ट, कैमरामैन मोहम्मद इरदास, उत्तर प्रदेश रामपुर से।